भाई फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका बहुत सालों से इंतजार था, वो था भाई लद्दाख। सो गाइस ये देखो यार, अभी सूरज कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब ये देखो यार, यहाँ पे ना रास्ता बंद कर दिया इन लोगों ने, पता नहीं क्या हो रखा है। Hey guys, welcome back to the channel. A face, I hope you guys are doing good. स्वागत है एक नए व्लॉग में आपका, मैं हूं देशराज। और भाई फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका बहुत सालों से इंतजार था, वो था भाई लद्दाख। और भाई अभी हो रहा है रात के 2 बज गए और मैं निकल रहा हूँ लद्दाख के लिए। भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, अभी अंधेरा हो रहा है भाई क्योंकि रात हो रही है, कैसी बात थी। बट सारी पैकिंग हो चुकी है, पीछे पैकिंग का कोई वीडियो नहीं बनाया यार, लास्ट टाइम स्पीति में बनाया था, वही सब कुछ है। बाकी सोलो है, सोलो ट्रिप टू लद्दाख। और अभी फिलहाल भाई यहाँ से अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो है 13 घंटे, मतलब ऑलमोस्ट 14 घंटे की। सो ऑल सेट रेडी, अंधेरे अंधेरे हैं भाई, पहले दिल्ली क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। सोचिए अपन पहुंच गए मुरतल और बस ये ट्रक वाला रास्ता है यार, अभी रात के टाइम कुछ कर भी नहीं सकते। बैक टू बैक बस ट्रक मिल रहे हैं अपन को, सो फिलहाल ज़्यादा अपन शूट कर नहीं रहे, बस ये ट्रक वाला रास्ता। जैसे जैसे सुबह होगी अपने लिए हाईवे और ज़्यादा बेटर हो जाएगा, तो इसीलिए लेट नाइट निकलना था कि यार डेली क्रॉस कर जाए बस। बाकी तो फिर जैसा जिस स्टेट में ट्रैफिक होगा वो झेल ही लेंगे, बस दिल्ली क्रॉस करना बहुत ज़रूरी था। तो मुरतल क्रॉस कर रहे हैं और फिर जैसे जैसे आगे निकलते हैं, सुबह होती है तो फिर आराम से फिर वीडियो शूट करेंगे, फिर आपको नज़ारे दिखाएंगे। तो फिलहाल इसी रास्ते पे कंटिन्यू करते हैं और करते हैं म्यूज़िक एंजॉय। सो गाइस ये देखो यार, अभी सूरज कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, फुल ऑरेंज मोड सुबह सुबह का, अंबाला का सूरज है, बहुत ज्यादा सुंदर भाई। सो जी अपनी एंट्री हो गई अंबाला में, स्लाइड लेफ्ट ऑनटू अंबाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे। ये वो अंबाला का गेट है और यहां से अपन लेफ्ट ले रहे हैं चंडीगढ़ के लिए। सो भाई गूगल हमें बचाते बचाते अंदर कहीं ले आई है और अच्छी खासी रोड से ऐसी टूटी फूटी रोडों पे ले आई है, लेकिन नज़ारा अच्छा है, खेतों के बीच से जा रहे हैं भाई, खुला आसमान और सामने देखो पूरा का पूरा खेत, किलोमीटर नजारा तो एक नंबर है भाई। सो जी ये सामने यहाँ रेलवे फाटक है और यहां से इसने मेरे को हाईवे से लेफ्ट काटने को बोल दिया इस तरफ को आने के लिए। अब वापस मुझे यही आना पड़ रहा है। टेक द नेक्स्ट लेफ्ट ऑनटू नेशनल हाईवे 152। बेवकूफ है। पता नहीं अच्छा खासा हाईवे से जा रहे थे, क्या चलती इसे यहाँ लाने की। और सामने नजारा देखो भाई यार, सूरज हाईवे ये बगल में गाय, बहुत सुंदर है। सो
सो वी आर ऑन द वे टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ से भाई एक ही चीज याद है मेरे को, आशिकी। वेलकम टू चंडीगढ़ भाई, अब ध्यान से गाड़ी चलनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ चलान कट सकता है और यहाँ तगड़ा चलान कटता है। सो भाई ये है शांति पाथ चंडीगढ़ का, फुल पॉश एरिया भाई, आसपास काफ़ी सारे कॉलेजेस भी हैं यहाँ पे। आज सुबह सुबह हॉकी ट्रायल चल रहा था पीछे, सो काफ़ी ज़्यादा भाई साफ एरिया, मतलब जैसे अपने यहाँ पे राजपथ और इंडिया गेट वाला एरिया, बिल्कुल उस टाइप का एरिया है प्रॉपर। इन 50 मीटर्स एट द राउंड अबाउट टेक द सेकंड एग्जिट। और लिमिट भी सही है यार, यहाँ पे 60 किलोमीटर, सोचो सिटी के अंदर 60 किलोमीटर। दिल्ली में तो भाई हालत खराब हो जाती है, 50 से ऊपर जा ही नहीं सकते आप, यहाँ एटलीस्ट 60 किलोमीटर दी है गाड़ियों के लिए और 45 की है बाइक्स के लिए, और बाइक्स की भी लिमिट है यहाँ पर। मैंने दिल्ली में तो बाइक्स की लिमिट भी नहीं देखी है कभी। सो अभी यहाँ से भाई 8 घंटा 48 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट 9 घंटा है पटनी टॉप। मुझे अभी आइडिया नहीं है कहाँ पे हूँ, यह है रेल माजरा करके कोई जगह है और नीचे रिवर जा रही है, बहुत अच्छी सी बहुत प्यारी रिवर जा रही है और सामने पहाड़ आ गए हैं पता नहीं क्या, बोल दो ये वैसे वाले पहाड़ नहीं है पर पहाड़ देख के खुशी तो होती है भाई। सो इट्स लुकिंग नाइस और सामने भाई देखो, सामने एक फुल बाइकर जा रहा है भाई फुल पैकिंग के साथ, ये भी शायद मेरी तरह लद्दाख के लिए जा रहा हो, क्या पता सेम रूट में ही है तो मोस्ट प्रोबली आई थिंक वही रूट जा रहा होगा। लद्दाख का यार अपना ही एक क्रेज है भाई, बाइक का भाई यही फायदा है, गायब भी हो गया बंदा। फगवाड़ा 86 आगे टोल रोड स्टार्ट हो जाती है, सो करते हैं कंटिन्यू अभी इसी पे। अभी तक अपन ने कोई ब्रेक नहीं लिया भाई, कहीं हॉल्ट नहीं लिया है, अभी 8 बजने वाला है रॉक्स। क्लियर अपने बाइकर भाई भाई, ये पीछे मेरे साथ रेड लाइट पर थे तो आगे पीछे अपन चल रहे हैं ऐसे, और अभी तक अपन ने हॉल्ट नहीं लिया है। सो हॉल्ट अपन ने लेना है, मतलब 8 बजने वाला है यार, अभी भूख मेरे को लगी भी नहीं है बट हाँ मुझे कॉफ़ी पीने का बड़ा मन कर रहा है बिकॉज मैं यार कल 23 किलोमीटर कल रात मैं करीब 7 बजे का जगा हूँ सारा सब सामान गाड़ी में डाला और फिर अपन निकल गए थे। सो अब थोड़ा सा ना लेजी सा फील होने लगा, एक कॉफ़ी मिल जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। बाकी यार बहुत मज़ा आ रहा है,
जीना को मिस कर रहा हूँ मैं, अभी वो घर जा रही है ऑफिस से, बट ठीक है यार, नहीं हो पाता कभी तो ठीक है, इट्स परफेक्टली फाइन, बट बाकी सब एक नंबर। निकाल तो दिया है यहाँ पे, बढ़िया तगड़ा जाम लगा हुआ है। देखो तो सारे लोग सामने सीधे जा रहे हैं, गूगल राइट में बता रही है कहीं राइट में एक रास्ता जा रहा है पतला सा, बोल रही है वहां निकल जाओ। ये सबसे गंदा सीन है जब घरों के बीच से निकल रहे होते हो ना भाई, ना स्पीड आप भगा सकते हो गाड़ी ना कुछ कर सकते हो, और जगह भी बहुत पतली है, करते हैं फिलहाल अभी इसी रास्ते पे कंटिन्यू भाई। अब ये देखो यार यहाँ पे ना रास्ता बंद कर दिया इन लोगों ने, पता नहीं क्या हो रखा है, सारी गाड़ियाँ टर्न कर ली है, आगे पूरा पत्थर वत्थर से चक्का जाम किया हुआ है। उधर से जाने नहीं दे रहे, इधर से रास्ता बंद कर रखा है। चक्का जाम करा हुआ आगे, जाएंगे कहां से, सांपा जाना है मुझे तो, पटनी टॉप जाना है, दिल्ली से आए लेकिन इधर से निकल रहा शायद कोई रास्ता, देखते हैं। ये पटनी टॉप के लिए रास्ता कहां से जाएगा, पटनी टॉप कहां, राइट ये रास्ता पटनी टॉप निकल जाएगा, पटनी टॉप जम्मू जाएगा भाई, किसी को रास्ता नहीं पता, जिससे पूछो भाई वो ऐसे ही अंदाजे बता दे रहा है, गूगल तो बिल्कुल ब्लैंक है। सो गूगल आगे जाके रास्ता खत्म दिखा दे रहा है, फिर आगे जाके कुछ और कनेक्टिंग दिखा दे रहा है, बट अपने साथ बहुत सारे लोग हैं भाई आगे पीछे, काफी ज्यादा हरियाणा और दिल्ली की गाड़ियाँ भी हैं, वेस्ट बंगाल की गाड़ियाँ भी हैं, सारे लोग फंसे हुए हैं अभी इसी रास्ते में। सो लेट्स सी, अभी किसी से बात की थी मैंने तो उन्होंने बोला कि जम्मू बॉर्डर पे निकालेगा ये, तो जम्मू बॉर्डर पे निकाल देगा तो वही देखते हैं। ये बहुत गलत सीन है यार भाई, इनको पता भी है कि भाई रास्ता खुलने के बाद टूरिज्म बढ़ता है, प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखने चाहिए भाई, अगर रास्ता बंद है तो भाई कम से कम बोर्ड्स साइन कुछ ऐसे तो लगा दो कि बंदे को आइडिया रहे कि भाई ये रास्ता जा रहा है करके। अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है, सब अंदाजे पे चल रहे हैं। रास्ता नहीं मिल पाया, 3 घंटा 17 मिनट दिखा रहा है यहाँ से, बीच में कई बार ऐसी ऐसी गलियों से लेके जा रहा है कि पूछो मत। सो ट्राई कर रहे हैं भाई, गूगल भी ना कई कई जगह पे बिल्कुल ब्लैंक हो जा रहा है भाई, आगे रास्ता डेड एंड दिखा दे रहा है, फिर आप चलते रहो तो थोड़ी देर बाद कनेक्ट कर दे रहा है, और ऐसा नहीं है नेटवर्क का इशू है, जियो फुल नेटवर्क पे दिखा रहा है, एयरटेल तो बंद हो गया लेकिन जियो फुल है। चलो देखते हैं अभी आगे दिखा तो रहा है, कनेक्ट करेगा कहीं पे, जहां भी कनेक्ट करता है भाई। टाइम 500 मीटर्स टर्न राइट, टाइम
टाइम और किलोमीटर्स तो कम हो रहे हैं, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सही जगह पहुंचे अपन यार। अभी तो दिन का टाइम है, मतलब 1 बज रहा है अभी फिलहाल। सोचो भाई कोई बंदा रात को फंस जाए ऐसी जगह, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो भाई बंदा ना बंदे की साथ, और ये देखो ये टर्न राइट कह रही है यहाँ से, और राइट का रास्ता ही नहीं है, बिल्कुल खाली रास्ता है वो गांव वाला, उस पर जाने के लिए कह रही है। सो आई एम नॉट श्योर भाई, देखो अभी गूगल बिल्कुल ब्लैंक है, कोई रास्ता नहीं पता है। सो अपन सिर्फ आइडिया से गाड़ी चला रहे हैं फिलहाल भाई, अभी लेट्स सी कि कहाँ पहुँचते हैं। तो जी गूगल देखो कैसे रास्तों से लेके आया है। In 200 meters, turn left onto National Highway 44. ये अच्छी बात है कि आगे जाके लेफ्ट लेके NH 44 पे डाल देगा। सो फाइनली भाई कैसे कैसे करके अपन हाईवे पे पहुंच ही गए। और अपना ऑलमोस्ट 1 घंटा बर्बाद हुआ इन सब चीजों में। The second left onto National Highway 44, then turn right onto Railway Road. भाई तो इतनी छोटी मार्केट है, उसमें इन लोगों ने गाड़ियां योद्धा आईसुजू छोटी गाड़ी है ही नहीं, मतलब। चलो भाई NH 44 आ गया। In 800 meters, turn right toward National Highway 44. I hope आपको ही आगे ब्लॉक ना हो रहा, बहुत मूड खराब होगा। अच्छा ही क्या जो ब्रेक नहीं लिया, ये बेफालतू का जो 1 घंटा खराब हुआ ये ब्रेक के बराबर ही था। करते हैं कंटिन्यू इसी रास्ते में। सो भाई फाइनली यार दिल को बहुत सुकून मिला, एकदम सही एकदम खुले हाईवे पे आ गए, मस्त गाड़ी खिंच रही है अब फिलहाल। और हॉल्ट अभी भी नहीं लिया हम लोगों ने, सो नॉन स्टॉप ही ड्राइव कर रहा हूँ मैं अब। 2 घंटा 55 मिनट दिखा रहा है यहाँ से 130 किलोमीटर, किलोमीटर्स बढ़ गए हैं फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई। पहले 118 किलोमीटर दिखा रहा था जब अपन पीछे फंसे हुए, हाईवे आते 130 किलोमीटर हो गया, पता नहीं कैसे, बट अब जो है वो है भाई। सो जी अब मैं थक गया हूँ बहुत ज्यादा, और काफ़ी देर से सोच रहा हूँ कि कहीं रुकता हूँ, लेकिन बीच में एक दो जगह अच्छी आई भी थी यार, बट अपन ने सोचा गाड़ी खींच लेते हैं फिलहाल अभी। सो अब जहाँ भी सही जगह लगेगी वहाँ अपन रोक लेंगे और अकड़ नहीं दिखाएंगे और कुछ खा लेंगे, क्योंकि अब भूख भी लग रही है और ऑलमोस्ट मतलब 11:30 हो रहा है, तो ब्रंच करते हैं और फिर सीधे पटनी टॉप। आज का स्टे अपना होगा पटनी टॉप पे। सो जी फाइनली अपनी एंट्री हो गई JNK में। एंटर ही करें
काफी ज्यादा क्राउड ही हो रखा है और बहुत गर्मी है भाई। जम्मू इज वेरी हॉट, मतलब मैं समझ में आया हूँ पहले भी, लेकिन अभी तो भाई बहुत ही ज्यादा गंदी गर्मी पड़ रही है। मैं 5 मिनट के लिए बाहर उतरा था रास्ता पूछने के लिए, जम्मू के थे लोग, वो कह रहे हैं इस बार कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। आई होप यार आगे जाके ठंड मिले अपन, नहीं तो मूड बहुत खराब हो जाए। पता लगा लद्दाख में भी 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, जिंदगी तबाह। यार करते हैं कंटिन्यू। श्रीनगर यहाँ से 285 किलोमीटर है, श्रीनगर नहीं करेंगे आज, आज तो भाई पटनी टॉपिक ऑफ। भाई लोग अगर आप लोग जम्मू आ रहे हो तो भाई गूगल पे भरोसा मत करो, क्योंकि भाई ये बहुत गलत रास्ता बता रही है और बहुत ज़्यादा गलत बता रही है भाई। और आपको मस्त चीज़ बताता हूँ कि नॉर्मली जैसे आपको फ्लाईओवर पर चढ़ना है या उतरना है तो लेफ्ट राइट बताता है गूगल, ये नहीं बताता आपको लेफ्ट राइट, ये आपको फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ा देगा और ऊपर से बोलेगा राइट ले लो। अब इस चक्कर में मैं कई सारे कट जो है वो छूट चुका हूँ, क्योंकि मैं ऊपर चढ़ जा रहा हूँ मुझे कट मिल नहीं रहा। मैं कहा यार ये सीन क्या है, मैंने कहा दिमाग खराब हो गया भाई मेरा। मैं फिलहाल उधमपुर, मैं एक होटल देखा मैंने अभी ऑनलाइन, और यहाँ जियो के अलावा भाई और नेटवर्क चल भी नहीं रहे हैं, जियो पोस्टपेड ऊपर से, वो भी प्रीपेड का तो आइडिया है नहीं मेरे को, प्रीपेड का तो है नहीं नेटवर्क भाई। अगर आ रहे हो जम्मू तो भाई पोस्टपेड लेके आओ, जियो चलता है और वो भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक ठीक चल रहा है, बट रेस्ट मेन चीज़ यही है कि भाई गूगल पर भरोसा मत करना, किसी लोकल से पूछ लेना ज़्यादा बेटर है। मुझे पटनी टॉप जाना था लेकिन वो छूटता ही चला गया तो भाई मेरा मूड हो गया ख़राब। उधमपुर यहाँ से भाई 64 किलोमीटर है, वहाँ मैंने एक होटल देखा है और होटल मुझे ठीक लगा तो मैं उधर ही जा रहा सीधे, अगर अवेलेबिलिटी होगी तो अपन वहीं स्टे करेंगे आज और सुबह निकल जाएंगे सीधे श्रीनगर के लिए। सिर्फ कंस्ट्रक्शन है जम्मू भाई साहब, नहीं हो रही इस रास्ते से।
रास्ता देने के लिए मैंने बुलडोजर साइड कर दिया। यहाँ पे इस रास्ते ने आके निकाला है अपन को। सो हमें शायद इस हाईवे वाले रास्ते से आना चाहिए था, बट गूगल ने आज हमारी लेनी देनी मचा दी है। सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सूजी फाइनली पहाड़ आ गए और ये पहाड़ बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसे मुझे चाहिए थे। अपन को देखने थे बिल्कुल बर्फ वाले पहाड़, खैर इस तरफ तो नहीं मिलेंगे। पता नहीं लद्दाख क्रॉस करने के बाद आगे अपन को मिलते हैं नहीं मिलते। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट भाई खतरनाक, भाई जम्मू में तो खतरनाक डेवलपमेंट कर रखा है। रोड्स देख रहे हो आप लोग, एक नंबर। सो जी इस जर्नी की फर्स्ट टनल आने वाली है और नज़ारा देखो भाई, टनल कैसे किन पहाड़ों के बीच से बनी हुई है, दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट, और छोटी है काफ़ी शायद, बिकॉज राइट में तो दिखाई दे रही है ऐसी बहुत छोटी है, लेफ्ट में भी छोटी ही होगी ना। मॉनिटर लिजर्ड देखी है, इतनी बड़ी, मतलब मेरे हाथ जितनी बड़ी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया उसे। और फिर से टनल ये टनल छोटी टनल फिर से। रूम ले लिया उधमपुर का, पटनी टॉप तक नहीं हो पाया भाई, बिकॉज़ फुल्ली एग्जॉस्टेड और बहुत
बहुत ज़्यादा ऑफ रोड भी हो गया था और एनर्जी बिल्कुल नहीं बच रही। मैं गाड़ी से उतरा ही दो बार हूँ मुश्किल से, सो वो भी 10 मिनट के लिए मुश्किल से, तो पूरी बॉडी एकदम ना स्टिफ हो गई। सो खैर अभी फ़िलहाल आज का स्टे उधमपुर में होगा और पास में एक होटल था जिस होटल का नाम होटल डॉल्फिन उधमपुर में, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। तो भाई ये कुछ ऐसा रूम है, पता नहीं उन्होंने मुझे क्यों इतना रोमांटिक रूम दिया है, सिंगल आने के बावजूद, सोलो आने के बावजूद भी। और ये पूरा का पूरा रूम है, काफ़ी बड़ा रूम है यार एक बंदे के लिए। बेस्ट पार्ट ये थे कि भाई मेरी गाड़ी में सामान बहुत है, तो सारा सामान तो ऊपर ला नहीं सकते थे, तो पानी अपनी पार्किंग भी अपन को नीचे ही मिल गई, तो ये अपनी गाड़ी लगी है नीचे, तो यहीं से अपन उसको देख भी सकते हैं और नीचे गार्ड साहब भी खड़े रहते हैं, तो सिक्योर पार्किंग है, तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। सो ये बालकनी है यहाँ पे, इसका तो यूज़ करने वाला मैं हूँ नहीं क्योंकि मैं फुल्ली एग्जॉस्टेड हूँ फिलहाल। और आते ही भाई मैंने इससे पहले मंगाया नींबू पानी, बिकॉज बहुत ज़्यादा कमी हो गई है पानी में। नींबू पानी पीते हैं, रिलैक्स करते हैं थोड़ी देर, फिर कुछ खाने के लिए मंगाते हैं, खा के सो जाते हैं। आज ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, आराम से मस्त रेस्ट लेते हैं। तो फिलहाल भाई ये है अपना कुछ रूम और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। तो जी आ गए अपने चाय पकौड़े, चाय अभी दूर रखी है यार बिकॉज़ मैं अभी नींबू पानी ही पी रहा हूँ। चौदह 15 घंटे बाद जब कुछ खाते हो ना मज़े आते हैं, इतने अच्छे नहीं लेकिन भूख लगी हुई है भाई तो अच्छे लग रहे हैं। चलो मैं खाता हूँ, आप लोग भी कुछ खाओ तब तक। सो जी एक छोटे से रेस्ट के बाद मैं आ गया वापस और फीलिंग बेटर, और अभी बज रहा 6:30 भाई। तो अपन ने डिनर ऑर्डर कर दिया, डिनर अपना आ भी गया। डिनर में आज अपने पास है पुलाव, रायता और सलाद। सो भाई ये निपटा के मैं चले जाऊँगा सोने सीधे, बिकॉज सुबह अपन को जल्दी उठना और जल्दी निकलना है कल यहाँ से, बिकॉज जो प्रॉपर्टी के ओनर है वो बोल रहे थे जितना जल्दी जाओगे सुबह उतना बेटर है श्रीनगर के लिए, बिकॉज फिर बाद में बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। सो अपना सीन यही है फ़िलहाल, अभी ये फटाफट यहाँ से आज श्रीनगर, कल सुबह श्रीनगर के लिए निकल जाएंगे। यहाँ से श्रीनगर 4 घंटे की दूरी पर है और बीच में पटनी टॉप भी पड़ेगा, वो यहाँ से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर है। सो सीधे अपन श्रीनगर चलेंगे कल, बाकी फ़िलहाल के लिए इतना ही यार अभी तो। सो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ए फेस। आज के लिए इतना ही, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।